हाँ तो प्यारे कप्तान, पटवारी घोटाले में एक और कांड निकल के सामने आया है। और वो कांड ये है भैया, हो सकता है तुम लोगों को पता हो, नहीं पता हो तो मैं बता रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो देखो, अभी तक तुमने ये सुना था कि 10 लोग थे, उसमें से 60 टॉपर हो गए एक ही जगह के, मतलब जो भी थे, मतलब वो जिनको ढंग से इंग्लिश में साइन करना नहीं आता, लेकिन बावजूद इसके वो टॉपर हैं, तो मैं मानता हूँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लेकिन वहाँ पर भी दिव्यांग लोग, दिव्यांग का मतलब समझ, तो जिनको सुनने में बोलने में इस टाइप की कोई ना कोई समस्या रहती है बचपन से, वो लोग दिव्यांग लोग होते। तो ऐसे 21 लोग सेलेक्ट हुए पटवारी में, जिसमें से जो कांड निकल के आया वो ये है कि जिसमें से 21 लोगों में से 15 लोग ऐसे हैं जो एक ही जगह के हैं। और सुनते जाओ, एक जगह के हैं, उसके अलावा और आश्चर्यजनक चीज़ें हैं। एक ही जगह के हैं और सभी को सुनने में दिक्कत है, एक दो नहीं, सभी 15 के 15 लोगों को सुनने में दिक्कत है। 15 के 15 है कहाँ से भैया? तो ये जोरा के हैं, जोरा के एक ही गाँव एक ही कस्बे से हैं। 15 के 15 लोग एक ही गाँव एक ही कस्बे से, उसके अलावा एक ही समाज के हैं, सारे के सारे एक ही समाज के हैं और एक साथ चयन हुआ है। तो मतलब पटवारी के जो सिस्टम था कि भैया 10 लोग टॉपर हुए हैं, 10 में से 7 लोग जो थे वो सबको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन बावजूद इसके इंग्लिश में 25 में से 25 नंबर आए। तो सेम कांड यही हो गया विकलांग लोगों के साथ। तो इंदौर की जो खंडपीठ है अपने हाईकोर्ट की, उसमें रघु परमार जी जो हैं नेता है भैया कांग्रेस के, तो उन्होंने अपील की है कि ये जो कांड हुआ है, मतलब ये विकलांग वाला, इसमें भी कहीं ना कहीं घपला हुआ है, अलग ही दिख रहा है, एक ही समाज के एक ही जगह के एक जैसे लोग, मतलब एक जैसी डिसेबिलिटी सबको थी और वो लोग सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। बाकी मतलब पूरे मध्य प्रदेश में से 21 लोग विकलांग सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें से मात्र 15 लोग, मात्र मतलब 15 के अलावा जो लोग बचते हैं वो पूरे मध्य प्रदेश में, और एक जगह से 15 लोग आ गए, मतलब वहीं की जगह इतनी खतरनाक पड़ी होगी थी, बाकी जगह पड़ी ही नहीं हुई। तो ये कहीं ना कहीं मैटर है। तो आप लोगों की क्या राय है इस विषय में कि मतलब वो विकलांग लोग वाकई में जेन्युइन थे कि नहीं थे? मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो कहता है कि नहीं, सही है, अपील जो लगी है, मतलब जो भी केसेस लगाया है वो सही लगाया है, वो है बिल्कुल जायज़ है। लेकिन आपका दिमाग कहता होगा नहीं यार, बेचारे उन पढ़े होंगे तो ऐसा कौन है कि भैया नहीं पढ़े होंगे, कमेंट में बताना। और पटवारी परीक्षा की मतलब क्या चाहते हो तुम लोग? मतलब बहुत सारे लोग यूँ भी अब भी कन्फ्यूजन में, भर्ती रद्द हो कि नहीं हो, तो रद्द हो कि नहीं हो वो बताना। और अगर इस वीडियो का प्रूफ चाहिए कि नहीं भैया, अब क्या प्रूफ तुम जो बता रहे हो वो सही है कि नहीं, इससे तो एक काम करना, टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ पर इसका फोटो मिल जाएगा तुमको, फोटो देख लेना, शांति हो जाएगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।